हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्राई न्यू एवरीडे में। आज मैं आपको कलौंदी का अचार लगाना बता रही हूँ। कलौंदी इस तरह का रहता है, ये खट्टा रहता है, इसे काटकर अचार लगाया जाता है। आज मैं आपको इसका अचार लगाना बता रही हूँ। इसे सबसे पहले इसके ऊपर का जो डंठल होता है ये निकाल दें और इसे धो दें। धोने के बाद इसे हम काटेंगे। मैं काट के बता रही हूँ किस तरह से काट लें। इस तरह से इसे काटें। इसमें बीज होता है, इस बीज को हमें निकालना नहीं है, ये बीज के साथ ही अचार लगाया जाता है। मैं आपको सिर्फ बीज के साथ दिखा रही हूँ निकाल कर। आप चाहें तो बीज निकाल कर भी लगा सकते हैं। हमें इसमें हल्दी नमक डालकर रखना है। एक चौथाई चम्मच हल्दी, एक चम्मच नमक हम डालकर इसे रखेंगे रात भर। जब ये इसका पानी छोड़ देगा तो हम इसे धूप में निकालकर सुखा देंगे। जब इसकी नमी खत्म हो जाएगी तब इसमें हम मसाले आदि मिलाते हैं। मैंने इसे, जैसा मैंने पहले कहा था, नमक और हल्दी डालकर रात भर छोड़ दीजिए। जब ये पानी छोड़ दे उसे निकाल कर धूप में सुखा दीजिए और इसकी नमी ख़त्म हो जाएगी, तब इसमें हम मसाले मिलाएंगे। देखिए इसकी नमी ख़त्म हो चुकी है। अब मैं आपको इसके मसाले बनाना बता रही हूँ। 5 केजी अचार के लिए हमें चाहिए लाल मिर्च, सूखे साबुत 250 ग्राम, एक तेजपत्ता का पैकेट, एक छोटी कटोरी जीरा, एक छोटी कटोरी साबुत धनिया, एक छोटी कटोरी सौंफ, एक छोटी कटोरी मेथी, 2 बड़े चम्मच अजवाइन, 2 बड़े चम्मच कलौंजी। ये सारी सामग्री को हम भुनेंगे, हल्का भुनकर तब इसे ग्राइंड कर इसका मसाला बनाएंगे। मैंने कढ़ाई गर्म कर रखी थी, अब उसमें मैं सौंफ को डालकर भून रही हूँ और मेथी को। देखें वैसे कर भुने, एक साथ जो एक साथ भुन सके, अलग अलग कर भुने, नहीं तो आपका मसाला जल सकता है। ज़्यादा ना भुने, हल्का ही भुने और इस तरह से हमेशा चलाते रहें ताकि आपका मसाला रुके नहीं और जले नहीं। जब चटकने की आवाज़ आने लगे तो समझिए कि आपका मसाला भुनने लगा है। उसे थोड़ी देर और भूनेंगे हम इसे और उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। अब हमारा हो चुका है, अब मैं इसे निकाल रही हूँ। अब इसमें कलौंजी और अजवाइन डालकर भूनूंगी। अब धीरे धीरे चलाती रहूंगी। तरह से चलाते रहें ताकि मसाला जले नहीं। अब हम जीरा को भुनेंगे। अब धनिया डालकर इसे भी भुनेंगे इस तरह से।
अब सारे मसाले को हम ग्राइंड करेंगे, पीस लेंगे। इस तरह से सारे मसाले को पीस लें। मैंने सारे मसाले को पीस लिया है। अब हम इसमें मसाले मिला रहे हैं। इस मसाले में मिर्चा, धनिया, जीरा, कलौंजी, अजवाइन, सौंफ, मेथी, ये सब डालेंगे और तेल के साथ इसे मिला देंगे। ये हमारा अचार 1 साल से 5 साल तक आसानी से चलता है और इसे कुछ भी नहीं होता। ये पारंपरिक तौर से बनाया गया हुआ अचार है। हमने हल्दी पहले से ही डाला हुआ है, नमक, और फिर भी हम इसमें हल्दी और नमक डालेंगे क्योंकि वो इसकी पानी नमी निकालने के लिए होती है। पानी निकालने के लिए हल्दी और नमक डाला जाता है ताकि जब हम मसाले डालें तो ये हमारा अचार पानी ना छोड़े। इसके बाद हम टेस्ट के लिए नमक और हल्दी डालेंगे। नमक स्वाद अनुसार डालें। अब हम इसमें तेल डालेंगे। तेल डालकर सारे अचार को अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से मिलाएं ताकि अचार में सारे मसाले मिल जाएं और इसे 1 वीक तक जार में डालकर, जिसे व्यायाम कहते हैं, उसमें डालकर, शीशे के व्यायाम में डालकर रख दें 1 वीक के लिए कपड़े से बांधकर। उसके बाद इसमें तेल से भर दें। तुरंत तेल डालेंगे तो नमक के कारण इसमें प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे ये ख़राब हो जाता है। इसलिए 1 वीक तक इसे पहले धूप में ऐसे ही रखें, इतना ही तेल डालकर। फिर जब 1 सप्ताह बीत जाए तब इसमें आप तेल डालें और भर दें। देखिए हमारे अचार को पूरी तरीके से मिल रहा है। अब हमारा कलौंधी का अचार बनकर तैयार हो चुका है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारा नया अपडेट्स मिल सके। अगर आपका कोई सुझाव हो तो वो हमें लिखें। अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट के ज़रिए लिखें और आपकी फरमाइश को हम जल्द से जल्द पूरा करेंगे।